हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख शांतवासिनी। देखिए, दिख रहा है आपको अक्कलकोट में स्वामी समर्थ का टीका। अभी आपको 2 मिनट में वीडियो अपलोड होगी जिसमें स्वामी समर्थ के मंदिर की जो भी जितनी फोटोज़ हो चुकी मैंने की है। कल उनका प्राकट्य दिन है, मतलब ये कहते हैं ना जन्म उत्सव, जन्माष्टमी। कल उनकी जन्माष्टमी मनेगी। वहाँ पर जो मेरे पंडित थे उन्होंने मुझे मिले, बोले कि माँ आप कल सुबह 11 बजे आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि बहुत गर्दी थी, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई क्योंकि इतनी गर्दी में सब भीड़ भाड़ में सबको हटा रहे थे, क्योंकि आज गुड़ी पाड़वा था ना, कल है और मुझे भी यहाँ पूजे का काम करना है। तो मैं वापस अपने रूम में आई हूँ, कल वहाँ पे वापस जाऊँगी, दर्शन करूँगी, उसके बाद वहाँ से मैं गजानन महाराज, जहाँ उनके ओरिजिनल पादुकाएँ पड़ी वहाँ जाऊँगी। और एक दो काम और है, क्योंकि देखो इस बार मैं ना प्रण करके निकली हूँ, मेरे कुछ ग्रुप वालों भी काम अटका हुआ है, सब प्रण करके निकली हूँ, और कुछ ग्रुप वाले जो मुझे इग्नोर कर रहे हैं उनको भी देख रही हूँ मैं, तो वो सब भी कर रही हूँ। और दूसरी बात, बहुत सारे जनों का शक्तियों का काम, नवरात्रि का पहला दिन है, मैं आपको बता रही हूँ, नवरात्रि के पहले दिन आज माँ कहते ना पहली शैलपुत्री, तो आज पहली शैलपुत्री का दिन है। कि आप सोच रहे होंगे आज माँ अक्कलकोट का बता रही, माँ का नहीं बता रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी माँ शीतला माँ का दिन है। देखिए, इसमें 9 देवियों का नाम तो लेते हैं, लेकिन शीतला माँ की पूजा की जाती है। शीतला माँ की पूजा में ठंडा खाना खाया जाता है, ठंडा भोजन करना चाहिए, मन से उपास रखना चाहिए, शीतल भावना रहनी चाहिए, शीतल बयार बहती है, माँ को नीम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए, माँ को वो करना चाहिए, क्योंकि माँ एकदम, अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो एकदम ठंडा खाना खाए, माँ का मंत्र करें। इस शीतला नवरात्रि में 9 दिन की तो जो 9 देवियों का दर्शन है, तो इसमें तो हमें आप उस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसमें बस और बस आज से आप अगर कर सके तो, अगर कोई 9 दुर्गा पाठ करे तो अच्छी बात है, नहीं तो कुंजिका स्त्रोत डेली 11 बार कुंजिका स्त्रोत जरूर करें, और उसके बाद एक ही मंत्र पढ़े कि शीतला माता का नाम, ओम ह्रीम शीतलाय नमः, ओम ह्रीम शीतलाय नमः, शीतलाय जगत माता, शीतलाय जगत पिता, शीतलाय जगधात्री, शीतलाय नमो नमः। शीतला माता माँ सभी 9 बहनियों में, सब 9 बहनों में सबसे बड़ी बहन है, कहते हैं ना बुढ़िया माता, कहते हैं हमारे गांव में इनको बुढ़ी माता है, ये बहुत ही अच्छी है, हमेशा भक्तों को बुढ़ी औरतों के रूप में दर्शन देती हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। खास करके ये जो औरतों को बच्चे नहीं वो नहीं, उनको तो ये नवरात्रि बिल्कुल करनी चाहिए। मैं भी इस बार नवरात्रि इसलिए नहीं, क्योंकि अगर मैंने एक भी दिन उपास रख लेती, बीच में अगर मेरा डिलीवरी हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाती, होने का तो है ही बस अभी, लेकिन एक डर है मुझे, कहते हैं लेकिन नहीं चाहिए, बस इसके लिए माता रानी मुझे माफ़ करें। कल है भगवान अक्कलकोट जी का द्वार, कहते हैं ना प्राकट्य दिन, खास करके जिसके लिए मैं आई हूँ, उसके बाद गजानन महाराज के आ जाऊँगी, क्योंकि ये इच्छा सुनीता की है। सुनीता ने बोला माँ गजानन महाराज के लिए जाइए, मैंने आज सबके लिए दुआ की है, मैंने अपने प्रभु के लिए भी दुआ की है कि मेरे प्रभु का अच्छा हो। गौतम नगर में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते ना अशक्य को शक्य करती ले स्वामी, तो ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि केशव के पप्पा की इच्छा है ना, केशव अपने पप्पा की इच्छा ज़रूर पूरी करेगा, केशव हर इच्छा अपने पापा की पूरी करेगा जब उसके पापा को वहाँ रहना है। बस ये है कि केशव के पापा को इतनी सी भी, मतलब इतना सा भी वो नहीं है, जिस दिन वो इंसान पहचानना सीख जाएंगे ना उस दिन, मैं उनको यही कहती हूँ आप घूम सकते हो, उनको पूरा देश विदेश घूमने का लालच होना चाहिए। वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, बोर हो रहे हैं इस वक्त, उन्हें ये नहीं मज़ा आता है कि जब हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में, मान जो मुझे मालूम है एक ही मंदिर बार बार जाने में इंसान को बोर होता है, लेकिन मुझे नहीं होता, मुझे भगवान के पास जाने बिल्कुल बोर नहीं होता। और कुछ काम है, एक और बात, इन नवरात्रों में वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, ये नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ये राज राजेश्वरी वाला मंत्र है। कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति आप ले सकते हो कोई भी, क्योंकि रमज़ान शुरू हो जा रहा है, कल पहला रोज़ा रखेंगे सब लोग, परसों दूसरा रोज़ा रहे, मतलब बहुत अच्छा मेल है नवरात्रि और रमज़ान महीने का, बहुत अच्छा मेल है, शक्तियों का बहुत अच्छा मेल है। अमावस्या के दिन बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है, जो मेरे ग्रुप वालों को गिफ्ट मिला है वो मैं मंडे को बोलूँगी, और कितने लोगों ने मुझे कहा कि अरे क्या ये पागल औरत 20 लाख रुपए देगी दूंगी, टेंशन मत लो। क्या होता है ना, मैं नहीं, मेरी शक्तियाँ देती हैं, जब मैं बताओ, इतने लोग जिन्नात को उतरवाने के लिए जाते हैं रे रोड पे, मेरे पास जिन्नात है, मैंने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया है। ये जो मेरा मजाक उड़ाते हैं ना यूट्यूब पे, तो मैं उनको एक बात पूछूंगी, जब कोरोना काल चल रहा था तो मेरा YouTube देखो, मैंने विद्या देवी ने जो जो बोला वो हुआ है, समझ रहे हो। पहले कोरोना काल में मैंने, हमारे यहाँ पे जब पहला लॉकडाउन था, मैं डेली हवन हवन करके मैंने एक वादा किया था कि 15 जून तक, मेरा याद है, मेरा वीडियो देखो, 15 जून तक पूरा थोड़ा थोड़ा देश चालू हो जाएगा, सबका आवागमन चालू होगा, हुआ था। उसके बाद आया सिलेंडर का टाइम, तभी भी मैंने कहा था 15 मई को बारिश होगी, उसके बाद सिलेंडर, कोरोना, आज की तारीख में कोरोना पूरी तरह खत्म हो गया। हम पंडित अपने पूजा बरबर करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हमको उल्टा बोलोगे तो, क्योंकि हम पंडित कैसे मालूम है,
हम आपके सामने आपको आशीर्वाद देंगे, आप हमें लात मारोगे, गाली दोगे, पंडित आपका भविष्य बिगाड़ देगा, पंडित आपका सात जन्म बिगाड़ देगा। ये जो बातें करते हैं ना, बड़ी 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 बातें करते हैं ना, इनके क्या ये लोग कौन होते हैं, उन्हें खाली दिमाग शैतान का। जो लोग को कुछ काम धंधा नहीं रहता है ना, वो खाली दिमाग वाले ही बड़ी बड़ी बातें करेंगे, समझ रहे हो। जिससे मेरा तलाक हुआ ना, वो भी चूतिया माधरचोद वैसे ही था, भड़वा, जिंदगी भर कुछ कमा के देता नहीं था, उसको कमाने आता नहीं था, एक दो रुपए की नौकरी के लिए जाता था, दिन भर गधा मजूरी करता था, लेकिन बातें, अरे बाप रे, उसकी बातें तो मतलब इतनी बड़ी रहती थी, इतनी समझदारी वाली बात करता था कि सब मुझे बोलते हैं बेचारा कितना सीधा कितना समझदार है। मैंने बोला अरे पागल, वो सीधा समझदार नहीं है, पता नहीं कितनी गायों को खा चुका है, मतलब कितनी ऐसी चीज़ों को खा चुका है जो बोलने लायक नहीं है। ऐसे लोग ना दूसरों पे नाम रखने के लिए बरोबर आते हैं, खुद के ऊपर नहीं देखेंगे, खुद की उंगली कितनी तरफ अपनी तरफ है, बरोबर आते हैं। मतलब एक बात बोल रही हूँ, इन लोग से आप भाषण निकलवा लो। मैंने हमेशा देखा है जो कुछ काम धंधा नहीं करते ना, जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, घर में बैठ के बस फालतू बातें करनी है, जिनको कुछ आता नहीं है ना, वो यही बातें करेंगे, अरे ऐसा हो गया था, वैसा करना चाहिए था, तुम कभी आगे बढ़ सकते थे। मैं बोलती हूँ चलो हम तो चूतिया, तुमने क्या बनाया आज तक वो तो दिखाओ। मैंने तो अपने पूजा पाठ में महारत हासिल की है, बहुत बातें होती हैं इसको तो, क्या मुझे बोलता है कि कपिल शो में जाके तुम वो करो, मैं क्यों जाऊँ कपिल शो में, पैसा दे के बुलाते सब लोग अपने आप को, मालूम है। विद्या देवी को पैसा दे के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, विद्या देवी को लोग पैसे देते हैं कि हमारे यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ जरा पैर रखो। मैं सिर्फ अपना सर भगवान के सामने झुका दूँ, बाकी किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं माधुर्योत की मेरा सर झुका दे भोसड़ी वाले। अरे जो बार बार मेरा भोसड़ा चाटने का तरीका अपनाते हैं ना, जो ये लोग कमेंट करते हैं ना, इनको एक ही बात बोलूँगी कि ये 100% अपनी माँ बहनों को भी नहीं छोड़ोगे, समझ लो। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, नारी शक्ति को तुम लोग नहीं पहचानते। नौ दुर्गे की पूजा कर रहे हो ना, नवरात्रि चालू है ना, नारी शक्ति को पहचानो। नारी जब तुमको जन्म दे सकती है ना, तो तुमको फाड़ के तुमको खा भी सकती है, ये याद रखना। और विद्या देवी के नाद में तो बिल्कुल मत लगना, क्योंकि मैं बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज तक जो जो मेरे रास्ते में आया है वो भीख मांगने की नौबत आया। मैं बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी हाँकती नहीं हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ मेरे मालिक के बल पे हूँ, मेरा मालिक है। गाना है ना, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। तूफान से कह दो कि अपनी औकात में रहे, कि मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। मेरी विंध्यवासिनी अभी पर्वत पे बैठी हैं मिर्जापुर में, तो किसकी क्या औकात की विद्या देवी पे आँख उठा के देख ले, मेरी माँ बैठी है ना वहाँ पे। देखो एक बात बताऊँ, घमंड रावण ने किया था, इतना बड़ा ज्ञानी था रावण ने, सिर्फ एक घमंड करके अपने आप को बर्बाद कर लिया। घमंड मतलब मैं बचाने में बिलीव करती हूँ, मेरे को बोलती हूँ मुझे मेरे ऊपर ध्यान देने से अच्छा, मेरी बुराइयों को ध्यान देने से अच्छा मेरी अच्छाई पे देखो। कि क्या इंसान की अच्छाई को नहीं बुराई देखता है, पहली बात तो मैंने आज तक कुछ बुरा किया नहीं। चलो बोलती हूँ, आप लोग आते हो मेरे पास काम कराने कराने, मैं आई क्या आपके पास आपके घर तक कि मुझे काम दो ये करो वो करो। मेरा मालिक है ना मुझे देने के लिए, तो मुझे मेरे दम है काम करके देने का, तो पंडितों से पंगा मत लो। पहले बोल रही हूँ मैं, हम पंडित बहुत बेकार होते हैं। मैं सबका बात छोड़ो, मैं एक नंबर की माधुर चौधरी हूँ, मेरी इस शक्ल में मत जाओ, मेरी शक्ल बहुत अच्छी है भगवान की दया से, मैं जानती हूँ ना इस वक्त बहुत सुंदर हूँ मैं, लेकिन मैं अंदर से काली का रूप हूँ। अगर जब एक बार मैंने किसी को दिमाग में बिठा लिया तो समझ लो जब तक वो मिट्टी ना चाट ले मैं उस इंसान को छोड़ती हूँ। जैसे माया मैडम, उसकी एक ही गलती है कि जब उसका पति बुरे वक्त में था तो उस रंडी ने मैं अपने पति को बचाया नहीं उसको, तब उसके दोस्तों का कहते ना लौड़ा चूसने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं जो एक गंदी बार बोलती हूँ, लेकिन उसके बाद उसने दूसरी गलती क्या कि मेरे केशों को नाजायज़ बोला। अबे भोसड़ी, तू अपने जेठ के साथ सो के बच्चा पैदा करती है छिनाल, और मुझे बोलती है नाजायज़ बच्चा। तूने अपनी खुद की जेठानी का नहीं सोचा, सास का नहीं सोचा, सारे घर के लोग का तू करती है, तू दोस्त यार को नहीं छोड़ती है, और तू मुझे बोलती है। तूने तो अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा है, मैं बताऊँ तेरे मामा के लड़के को नहीं छोड़ा है तूने, जिससे शादी की वो नहीं। याद कर जवानी में 19 साल की उम्र में क्या किया था, बच्चा किसका गिराई थी, मुझको सब याद हूँ मैं, समझ रही है। तुम जैसी औरतें खुद के मतलब कैसे सगे में होते हैं ना, तो कहते हैं ना सगे में किसी का भाई जिसको तुमने राखी बांधते हो ना, तुम्हारे में तो सालों वो भी शर्म नहीं आती। लेकिन तुम बस माया मैडम की एक ही गलती की सज़ा मैं उसको दे रही हूँ कि उसने सब कुछ किया ठीक है, मेरे केशों को नाजायज़ नहीं बोलना चाहिए था, तब से मैं उसके बच्चे के पीछे पड़ी कि वो भी साला नाजायज़ है। मैं तो झूठ नहीं, मैं तो सच्ची हूँ।
मैं तो उसको इतनी गालियाँ देती हूँ, लेकिन उस औरत के गांड में इतना दम नहीं है कि जाके डीएनए टेस्ट करा के मेरे मुंह पे डीएनए टेस्ट मारे, ना उसके पति में चूते चौधू में इतना दम है कि भड़वा मेरे को आके डीएनए टेस्ट मेरे मुँह पर मारे। अरे चल क्या बोलती है, कैसे मारेगा, उसको भी पता है वो नामर्द था, उसको पता था कि मैं तो बच्चा पैदा कर नहीं सकता हूँ। चल मेरे भाई का ही सही, कम से कम मैं बाप तो बना, दुनिया के सामने मुझे बाप तो बोला गया। ऐसी बात है, क्या कर सकते हैं, मैं तो सबके साथ ऐसी हूँ, ऐसी बात होती है। तो ये बात बोलती हूँ कि अगर आप किसी को उंगली जब तक नहीं करोगे तब तक कोई आपको उंगली नहीं करेगा। मेरे को अगर जब तक उंगली नहीं करोगे ना, मैं बीच में नहीं बोलूँगी, लेकिन आपने मुझे इतना से भी टच किया ना, तो मैं आपके अंदर पूरा हाथ ही डाल दूँगी आपकी गांड के अंदर, बात ही ख़त्म। मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं किसी के पीछे पड़ जाऊँ तो उसको मेरे बाद भगवान ही उसको बचा सकता है। जब तक मुझे उधर से ऊपर से आदेश नहीं आएगा ना कि अब माफ़ कर दे, तब तक तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, ये बात पक्की है। तो सोचो जब मैं ऐसी हूँ तो मेरा केशव कैसा होगा। ये बच्चा बहुत अनोखा होगा अपने आप में, मैं जानती हूँ। देखना ये होगा ना, पूरी दुनिया इसको देखने आएगी, ये बात पक्की, और होगा ज़रूर। आज ही मेरे मुंह से मेरे शंकर भाई के सामने निकला कि शंकर भाई मैंने आँस ही छोड़ दी, मैं तो घूम अपना चुपचाप यात्रा पे निकली। बोलता अरे दीदी कैसे आँस छोड़ दी, बच्चा है और होगा, सबके मुंह पे कालिक पोतेगी। आप देखो तो सही आपकी जीत कैसे होती है। मुझे जीतने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इस बच्चे को लाने में इंटरेस्ट है, और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें है जो मेरे बच्चे को आने से रोक रहे हैं, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। तो शक्तियों से पंगा मत लो, समझ रहे हो, नारी शक्ति से पंगा मत लो। नारी शक्ति वो कर सकती है जो तुम्हारे बाप भी नहीं कर सकता, समझ रहे हो, ये याद रखना। माँ अगर जन्म दे सकती है ना, तो माँ तुमको ऊपर तक पहुँचाने का दम रख सकती है। विद्या देवी बखूबी कर सकती है। जय माता दी।